नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित एविन जेल में शनिवार रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग लगने के दौरान ही यहां गोलीबारी भी सुनी गई। इस जेल में अधिकतर राजनीतिक कैदी और एक्टिविस्ट हैं। इन पर अत्याचार की वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैक लिस्ट में किया हुआ है। दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को भी यहां बंद किया जाता है। ये घटना 22 वर्ष कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस के हाथों हत्या के बाद से जारी प्रदर्शन के दौरान हुई है। एक महीने से हो रहे इन प्रदर्शनों में अब तक 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 1100 से अधिक घायल हैं। ईरानी पत्रकारों के मुताबिक आग लगने की खबर के बाद जेल में बंद लोगों के परिजन तनाव में हैं। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। देश की सरकारी मीडिया के मुताबिक आग जेल के एक हिस्से में लगी। यहां गार्ड्स और कुछ बंदियों के बीच झड़प हो गई थी। आग को जल्द ही बुझा लिया गया था। मानवाधिकार समूह हैगाफ से जुड़े अजीन शेखी ने बताया कि अभी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है। चिंताजनक बात ये है कि इस जेल में अधिकतर राजनीतिक कैदी हैं। यहां गोलियां चलने की आवाज भी सुनी गई है। आग लगने की खबर आने के बाद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जेल की तरफ कूच कर गए। ईरान के मानवाधिकार समूह की तरफ से जारी वीडियो में जेल की तरफ भारी तादाद में गाड़ियां जाती दिखी। भारी संख्या में लोग पैदल ही जेल की तरफ बढ़ रहे थे। आग लगने की घटना के बाद ईरानी सुरक्षा बल और दंगारोधी बलों के दस्ते भी जेल के पास तैनात किए गए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।